नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल घनश्याम बाबा सर्व पवित्र बस्ती में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, हमारे साथ में आज मोहित कश्यप संप्र मित्र, जो कि गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, ये भी एक संप्र मित्र हैं। दोस्तों, आज इन्हीं के पास दोस्तों हम आए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घनश्याम बाबा संप्र मित्र बस्ती ये भी बैठे हुए हैं साथ में, और आज दोनों जन साथ में जा रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए। किसी घर में कोई छोटा सा सांप निकला हुआ स्नेक, अब मौके पर पहुंच करके आप लोग को दिखाते हैं आगे का वीडियो। अब सर जी से पूछते हैं, सर जी अपना भी बताइए, परिचय दीजिए। सर स्वागत है दोस्तों, घनश्याम बाबा सर्प मित्र बस्ती में आपका, और आज हम दो महारथी, एक बस्ती जिला से एक गोरखपुर जिला से, हम सभी जानते ही होंगे, तो आज दोनों हम लोग एक साथ रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़े हैं रास्ते में। तो चलिए वहाँ देखते हैं, जाने के बाद वहाँ कौन सा सांप मिलता है तो आप सभी को दिखाते हैं, और नजर जमाए रखिएगा, काफी ज्यादा मजा आने वाला है आप सभी को। और जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं, जगह पर हम पहुंच चुके हैं और दोनों महारथी अब चल रहे हैं सांप का रेस्क्यू करने के लिए, और काफी अच्छा लगा दोस्तों सर जी से मिलकर। आप लोग दोस्तों दो चार दस मिनट का हमें वक्त दीजिए, कौन सा सांप है आप लोग को निकाल कर हम दिखाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ये गोरखपुर जिला पड़ता है, बस्ती से तकरीबन 50-50 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा, ये 50-60 किलोमीटर। और जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं, उनके घर पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर सांप दिखा है। हम मौके पर चलकर देखते हैं कौन सा सांप है। हम जानते हैं, हम जा रहे थे फोन करने, लाइट आया है। थोड़ा बेड को हटवाइए, थोड़ा पंखा को साइड कर दीजिए और उस कुर्सी को। दिख गया सर जी? और सांपों की दुनिया में दोस्तों आप सभी का स्वागत भी है। दोस्तों आप देख सकते हैं मोहित कश्यप घनश्याम बाबा दोनों साथ में आज इस सांप को रेस्क्यू करेंगे। कोने में हो सकता है, कोने में, जूते में देख लीजिए। नहीं, जूते में भी घुस सकते हैं ना वो लोग, ऐसी बात नहीं, जूते में भी बैठ जाते हैं। लाइट थोड़ा धर दो। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमें ये सांप दिख चुका है दोस्तों, और आप देख सकते हैं दोस्तों ये मिल चुका है, बेबी है दोस्तों। ये कौन है? लेकिन इसका बिहेवियर इतना गंदा रहता है। हाँ, ये अक्सर करके काटता है। हाँ। और देखिए इसकी बॉडी पैटर्न करेट के जैसे, इंडियन कॉमन करेट के जैसा बॉडी पैटर्न रहता है, तब से करके लोग डर जाते हैं कि हमें करेट काट लिया है।
और इसी सांप के काटने से लोग झाड़ फूक करवाने जाते हैं, जान बच जाती है, तो लोग क्या करते हैं, तांत्रिक बाबा ने हमारी जान बचाने करके एक अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। सही बात है सर। तो ये जो है इसी सांप को इंडियन वुड स्नेक के नाम से जाना जाता है, और यहाँ की जो लोकल भाषा है घर चित्ती इसी सांप को बोलते हैं। ये एक पूरी तरीके से नॉन वेनमस सांप होता है, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का वेनम नहीं पाया जाता है, ये बिना जहर वाला सांप है। तो चलिए दोस्तों, काफी छोटा था, ढूंढने में परेशानी कर दिया, चलिए इसको लेकिन मिल गया मौके पर, फाइनली मिल गया। चलिए अब पैक करते हैं, पैक करने के बाद इसके अनुकूलित वातावरण इसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है सर। दोस्तों जो लोग भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो घनश्याम बाबा सर्पमित्र बस्ती को आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उन्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हर परिवार, हर गांव, हर गली, हर किसी न किसी की मदद करते हुए हम लोग नजर आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।